couple of vlogs. तो गाइज आज का प्लान ये है कि आज है पहले तो 28 फेब 2024 एंड अभी मैंने डिसाइड किया है कि इस बार भी हम जाएंगे उत्तराखंड, लेकिन ऐसा नहीं है कि देहरादून का ही स्पेसिफिक प्लान बना है। देहरादून तो जाना ही है क्योंकि घर का काम चल रहा है, लेकिन इसके अलावा अदर मतलब सोचा नहीं है कि कहाँ जाना है। तो हो सकता है घर चले जाएं, गांव चले जाएं, तो अभी चलते हैं आगे रास्ते में एंजॉय करते करते। तो दोस्तों आज मैं निकला हूँ 4 बजे शाम को, वो भी उत्तराखंड के लिए। मतलब ये टाइम भी कौन ही चूज़ करता है। अभी मैं हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, अभी 4:30 हो रहे हैं शाम के, देखते हैं रात होने तक मैं ऋषिकेश पहुँचता हूँ या नहीं, एंड उसके बाद पहाड़ों में ड्राइव करेंगे नाइट में, तो मज़ा आएगा। रात के 7 बज गए हैं और अभी तक मैं पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर। देखते हैं भाई कि आज मैं पहाड़ों में पहुंच पाता भी हूं या नहीं, बट टारगेट यही किया है कि एटलीस्ट देवप्रयाग तक तो पहुंच जाना चाहिए मुझे 10 बजे तक। लेट्स सी। गाइज अभी रात के 8:20 हो रहे हैं और मैं हूँ ऋषिकेश के बस स्टैंड के आसपास, तो चलते हैं आगे, चलते हैं रामझूला के आसपास, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं पहाड़ों की तरफ। 8:30 बजे रात के, और अब इसके बाद डायरेक्ट पहाड़ शुरू हो जाएंगे, तो काफ़ी एडवेंचरस राइड होने वाली है और एकदम गलत टाइम। तो गाइज ये रहा ऋषिकेश का फेमस रामझूला का व्यू रात के 8:30 बजे। सो फिलहाल भाई यहाँ पे रुकने का बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, अभी चलना पड़ेगा वापस। सो गाइज फाइनली पहाड़ों में रुक करते हुए रात को 8:30 बजे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ी देर में देवप्रयाग पहुँच जाएंगे। पहुँच तो मैं घर भी सकता हूँ, लेकिन अभी जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो पैदल नहीं जा सकते भाई, रोड तक जहाँ तक जा सकते। तो एक्चुअली मेरे को गांव भी जाना था, लेकिन गांव का रास्ता थोड़ा पैदल है तो इसलिए रात को जा नहीं सकते जंगल के रास्ते। तो अभी स्टे करेंगे किसी ना किसी रास्ते में, होटल में, या हो सकता है इतना लेट हो जाऊं जाते जाते कि कुछ भी हो सकता है रास्ते में, भी देखते हैं क्या होता है भाई। सो गाइस सामने देखो बंजी जंपिंग ऋषिकेश, यहाँ पे बंजी जंपिंग ये बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, तो आप आ सकते। सो गाइज रात के 9:15 हो रहे हैं और अभी मैं हूँ ब्यासी, ऋषिकेश के आगे एक टाउन पड़ता है, एंड यहाँ पे होटल्स अवेलेबल होते हैं, मतलब रेस्टोरेंट भी अवेलेबल होते हैं, तो रेस्टोरेंट से मैंने अभी खाना पैक करवा लिया है इन केस इमरजेंसी में आगे जाते हुए जंगल में खाना ना मिला, तो फिर तो बैकअप तो चाहिए। होटल में मिल गया तो फिर देखेंगे, और होटल भी मिल गया तो देखेंगे, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। मैंने फ़ोन किया था लेकिन वो रात पहाड़ों में पता नहीं होता मिलेगा नहीं मिलेगा, वो पता नहीं होता, विल सी कि अगर मिल भी जाता तो ठीक है, नहीं तो घर तक तो ड्राइव करते रहेंगे। गाइज आप देख सकते हैं सामने है देवप्रयाग और अभी बज रहे हैं रात के 10। सो गाइज रात के 10 बजे मैं पहुंच गया अपनी डेस्टिनेशन, और मैं आगे जाना नहीं चाहता था, मैंने देवप्रयाग में ही होटल कर लिया। सो गाइज अभी मैं हूँ केदारनाथ हाईवे पे, सामने जाएंगे तो केदारनाथ, श्रीनगर, बहुत सारे एरिया है। अभी मैं देवप्रयाग में हूँ और सामने वाले होटल में पिछली बार रुका था जब मैं ऐसे ही रात को आया था, और मैं ऐसे ही हूँ यार भाई, ऐसे ही आता हूँ। और अभी मैं हूँ होटल उमा रेस्टोरेंट में, तो होटल सामने के नज़ारे आप देखो, तो ये है सामने देवप्रयाग उत्तराखंड। आई थिंक आप बहुत बार मेरी वीडियोस में देखते आ रहे हो, तो आज मैं प्लान कर चुका हूँ कि गांव नहीं जाना है, आज यहीं रुकते हैं। तो गाइस बाहर आते ही देखो रूम ये है मेरा इस साइड में, और ये है बालकनी एरिया।
तो बालकनी एरिया में थोड़ी देर बैठेंगे, चिल करेंगे, उसके बाद कल निकलेंगे गांव के लिए। सामने का व्यू कुछ ऐसा, और ये देखे गाइज देवप्रयाग उत्तराखंड, मॉर्निंग में जो व्यू आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है यहाँ से। और ये होटल भी बहुत अच्छी लोकेशन पे है, तो मज़ा आएगा ऐसा कुछ। इन नज़ारों के बाद गाइज वक्त हो चला है रूम के दर्शन करवा दूँ आपको। सो गाइज दिस इज़ अ बेडरूम। हाँ थोड़ा सा सीलन वगैरह आई थिंक इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये वॉल ख़राब है, हर रूम की नहीं है, मैंने सारे रूम चेक किए, लेकिन द क्वालिटी ऑफ दिस रूम इज़ फाइन, है ना। हाँ भाई गद्दा बहुत सही है इसका, और इसके अलावा हाँ ठीक है, एसी भी है, पंखा है, सब कुछ है, वैसे ज़रूरत है नहीं। एंड ऑलमोस्ट जो इसका बाथरूम है ये भी ठीक है, ऑलमोस्ट ओके, फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। मेरे को ये पड़ा है नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो वही पहाड़ी पहाड़ी वाला रेट लेता हूँ ना, बट हाँ नॉर्मल आपको पड़ जाएगा ये 2000 तक। सीज़न टाइम में थोड़ा महंगा हो सकता है, नॉन सीज़न टाइम पे भी 1500 से 2000 की रेंज आपको मिल जाएगी। सो गाइज मैं खाना खा चुका हूँ, डिनर हो चुका है, तो मैंने ये अंधेरा इसलिए कर रखा है कि रूम से देखो खिड़की ओपन है और वाह जो नज़ारा है ना भाई, सामने है चांद पहाड़ के उस चोटी के ऊपर दिख रहा है, और एक जो व्यू आ रहा है ना काफ़ी मस्त है, और तारे भी दिख रहे हैं साथ में काफ़ी सारे। सो अभी मैं हूँ देवप्रयाग में जैसे मैंने बताया आपको। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो रास्ते में आज हमने मतलब एडवेंचरस राइड करी है रात के मतलब 10 बजे पहाड़ों में, और फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने होटल। सो गाइज तब तक जिसने ये वीडियो पहली बार देखी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गाइज तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड